बच्चों, हम अब दूसरी एक रचना करने जा रहे हैं, रचना क्रमांक 2। इसमें हम एक दी हुई रेखा के समानांतर एक ऐसी रेखा की रचना करने जा रहे हैं जो निर्धारित बिंदु से गुजरती है, और ये बिंदु दी हुई रेखा से किसी दूरी पर स्थित है। तो देखिए, जो परिस्थितियाँ दी हुई हैं उन्हें हम पहले यहाँ पर चित्रित करेंगे। हमें एक रेखा पहले से दी जा रही है, मान लीजिए ये वो रेखा है जो हमें दी गई है। इसे आप अंकित करें रेखा के तौर पर, दोनों तरफ ये तीर का निशान लगाएं और इन्हें एक नाम दें। मान लीजिए इस बिंदु को हमने पी नाम दिया और एक दूसरा बिंदु है, इसे हमने क्यू नाम दिया। तो ये रेखा पी क्यू है जो हमें दी हुई है, और एक बिंदु आर भी है यहाँ पर जो इस रेखा के बाहर कहीं पर स्थित है। मान लीजिए इसे हमने यहाँ लिखा, ये बिंदु R है। अब हमें एक ऐसी रेखा की रचना करनी है जो R से गुजरती हो और PQ के समानांतर हो। तो आप जानते हैं कि किसी बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, लेकिन इन रेखाओं में से हमें केवल वो रेखा चाहिए जो PQ के समानांतर हो। तो ये हमें रचना करनी है। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो दी हुई चीज़ें हैं वो क्या हैं और हम कौन से ज्यामितीय सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। तो दी हुई चीज़ों में केवल दो चीज़ें आपके पास हैं जिसका जिक्र हमने किया, एक रेखा है पी क्यू और उसी समतल पर उस रेखा के बाहर एक बिंदु आर है। अब हम जानते हैं कि अगर यहाँ से कोई एक रेखा हम समानांतर खींचते हैं, बनाते हैं, तो ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों यदि आपस में समानांतर हैं, तो ये दोनों रेखाएं यदि किसी तिर्यक रेखा के साथ जुड़ती हैं तो उस तिर्यक रेखा पर दोनों एक जैसा कोण बनाएंगी, जैसे हम संगति का कोण या संगत कोण कहते हैं। तो अगर हम एक कोण की रचना यहाँ पर करें और ठीक उसके बराबर कोण की रचना यहाँ पर कर दें, और वो जो कोण है उसकी एक भुजा दोनों के लिए कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो कोण बन रहा है वो कोण यदि यहाँ पर भी बन रहा है तो कोण को बनाने वाली जो दूसरी भुजा होगी वो इसके समानांतर होगी। तो ये बात हम जो कह रहे हैं उसको एक चित्र के रूप में देखें। हम एक रेखा और खींचें जो आर से गुजरती है और पहले वाली रेखा को कहीं पर काटती है। मान लीजिए वो इस तरह की रेखा है, ये देखिए हमने एक रेखा खींची यहाँ पर जो बिंदु R से गुजर रही है, और पहले वाली रेखा PQ को मान लीजिए S पर काटती है। मान लीजिए बिंदु S है, तो यहाँ जो कोण बनता है यदि उसके बराबर का कोण हम यहाँ पर रच सकें अगर, तो ये जो कोण बनेगा जो इसके बराबर होगा, तो निश्चित रूप से इस कोण की एक भुजा तो वही है जो इसकी भी एक भुजा है, जो दूसरी भुजा होगी वो निश्चित रूप से पी क्यू के समानांतर होगी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम इसके बराबर के कोण की रचना यहाँ पर कर लें तो जो दूसरी वाली हमें भुजा मिलेगी कोण की, वो निश्चित रूप से इस पी क्यू के समानांतर होगी। तो और हमारा काम, जो लक्ष्य हमारा अभिष्ट जो है, वो हमें प्राप्त होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं। कोण की रचना के पदों का आप ध्यान रखिए, यदि इसके बराबर के हम कोण की रचना करते हैं तो जो कोण का शीर्ष है उस पर प्रकार के नोक को रखकर हमें किसी एक त्रिज्या का चाप खींचते हैं, और जिस जगह पर हमें कोण बनाना है वहाँ पर भी हम यही काम करते हैं। तो हम दूसरा कोण आर पर बनाना चाहते हैं, तो इस चाप को स्थिर रखते हुए हम इस त्रिज्या को स्थिर रखते हुए हम एक और चाप बनाते हैं। अब देखिए, इस कोण की माप हम यहाँ इस तरह से नापें और इन बिंदुओं को नाम दे दें। हम S तक नाम दे चुके हैं, पी क्यू आर S। मान लीजिए इसको हम बिंदु T देते हैं और ये बिंदु U है। तो ये जो कोण टी एस यू बन रहा है उसके बराबर का कोण हम यहाँ पर बना लें बिंदु आर पर, तो जो कोण बनेगा उसकी दूसरी भुजा इसके समानांतर होगी। तो देखिए, ऐसा करने के लिए हम क्या करें कि टी से यू की जो दूरी है वही दूरी हमको यहाँ से यहाँ पर मिल जाती है, तो जो कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा। तो ये हमने टी पर प्रकार के नोक को रखा और दूसरे पेन की नोक को हम यू पर रखते हैं, और ठीक इस त्रिज्या की माप को हम यहाँ पर भी अंकित करते हैं और यहाँ पर एक चाप काटते हैं। तो देखिए, जो टी यू की दूरी है वो इसके बराबर होगी, और इसका भी हम नाम दे दें,
इस बिंदु को हम नाम दे दें, मान लीजिए ये V है और इसे आप W नाम दे दें, और R और W को मिला दें आप, देखिए एक कोण की रचना होने जा रही है। इसे आप रेखा के रूप में प्रदर्शित करें, ये हमने इस बिंदु W से होकर और R से होकर एक रेखा खींची, और चूंकि हमने यहाँ जो कोण वी आर डब्ल्यू बनाया है वो टी एस यू के बराबर है, और यदि ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये संगति कोण के रूप में होंगे, और तिर्यक रेखा वी एस के द्वारा आर डब्ल्यू और पी के ऊपर बनाए हुए कोण होंगे, और चूंकि ये संगत कोण है और बराबर है तो निश्चित रूप से आप इस आधार पर कह सकते हैं कि जो बनने वाली नई रेखा है जो इस कोण की दूसरी भुजा थी वो रेखा जो निर्मित हो रही है वो पी क्यू के समानांतर है। तो देखिए अपने समान कोण बनाने के गुण का उपयोग करते हुए रेखा पी क्यू जो पहले दी हुई थी उसके समानांतर एक दूसरी रेखा खींचने में सफल हुए। तो ये था किसी दी हुई रेखा के समानांतर एक ऐसे बिंदु से रेखा खींचना, समानांतर रेखा खींचना जो उस रेखा के बाहर स्थित है। तो ये रचना हुई अभिस जो हम चाहते थे उसकी।